दोस्तों WTC फाइनल की रेस अब काफी रोचक दौर में पहुंच चुकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया इस मैच में फंसी हुई नजर आ रही है। मैच हालांकि अभी दूसरा दिन ही चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है उसे यह लगता है कि गंगारो टीम अब बढ़ चढ़ कर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मैच को जीता जाए। वहीं टीम इंडिया के सामने संकट यह खड़ा हो गया कि मैच भारतीय टीम हारती है तो दिक्कत तो है ही, लेकिन मैच अगर ड्रॉ होता तो फिर भी दिक्कत है। टीम इंडिया की मुश्किल उधर श्रीलंका ने बढ़ा रखी है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला शुरू हो चुका है। मैच के दो दिन हो गए और इस वक्त श्रीलंका की टीम फ्रंट फुट पर नजर आ रही है, लेकिन अब WTC के फाइनल में जाने का इक्वेशन क्या बन रहा है, क्या सिनेरियो नजर आता है, यह जानना भी काफी दिलचस्प हो गया है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के चौथा टेस्ट मुकाबला इंडिया काफी पीछे में नजर आ रही है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत पकड़ बना ली है। अब ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया इस मैच को या तो हार जाएगी नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ करा सकती है। अगर टीम इंडिया की इस मैच में हार होती है तो मामला बहुत बुरा हो सकता है और गड़बड़ भी हो सकता है। वह ड्रॉ होने से खेल खराब भी हो सकता है, लेकिन संकट कुछ कम नहीं रहेगा। लेकिन अगर दोनों मैच में से एक भी रिजल्ट आता है तो टीम इंडिया फाइनल में एंट्री कर सकेगी, यह जानना दिलचस्प होगा। ऐसे में श्रीलंका को कम से कम एक मैच ड्रॉ कराना होगा, नहीं तो मैच हारना होगा। श्रीलंका के साथ दिक्कत यह है कि उन्हें न्यूजीलैंड से अपने दोनों मैच जीतना ही होगा। अगर एक मैच भी ड्रॉ होता है तो उनका खेल खराब हो सकता है और वहीं खत्म हो सकता है। इस मैच में टीम इंडिया भले ही इस मैच को जीत ना पाए हो, लेकिन ड्रॉ कराने की पूरी कोशिश रहेगी। इससे भारतीय टीम को दो फायदा होंगे। पहला यह तो कि सीरीज 2-1 से भारत का नाम रहेगी और दूसरा यह होगा कि उसके बाद WTC के फाइनल में एंट्री मिलने का संभावना बढ़ी रहेगी। अब दूसरे सिनेरियो में देखते हैं कि श्रीलंका की टीम अगर अपने दोनों मैच जीत जाती है तो टीम इंडिया के पास एक ही रास्ता होगा, उन्हें मैच जीतना ही होगा या फिर बराबरी पर खत्म करना होगा। इस बीच अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका का प्रदर्शन की बात करें तो वहां का मैच काफी रोचक हो गया है। श्रीलंका ने मैच से पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम ने 355 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया और उसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो दूसरे दिन खत्म होने तक न्यूजीलैंड के 5 विकेट गिर चुके हैं और टीम का स्कोर मात्र अभी 162 रन ही हुआ है। ऐसे में लगता है कि श्रीलंका की टीम इस मैच में आगे चल रही है। अच्छी बात यह है कि दोनों मैच एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की नहीं तो कम से कम भारत और श्रीलंका की नजर इस मैच में जरूर होगी, क्योंकि यही मैच है जो WTC के फाइनल में दोनों टीमों की जगह को फिक्स करेगी। फिर देखना यह है कि बचे हुए दिन में टीम कैसा प्रदर्शन करती है और मैच किस ओर जाता है। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, इंडिया WTC के फाइनल में जगह पक्की कर सकती है? नीचे कमेंट बना रहा है जरूर बताइएगा। वीडियो चला तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मैच को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।